राजस्थान में बाड़मेर जिले के रामसर तहसील में आज सातवां प्रकरण के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सोमवार को वीरमा राम किसान संघर्ष समिति के बैनर तले आक्रोश रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी रामसर को ज्ञापन सौंपा गया। संघर्ष समिति के तहसील संयोजक गेंद सिंह कोटलिया ने बताया कि साता ग्राम पंचायत के रंगवाली निवासी वीरमा राम जाट के साथ सरपंच पति व अन्य ने मिलकर डेढ़ वर्ष पूर्व मारपीट की, जिसके उपचार के दौरान 20 दिन पहले मृत्यु हो गई। समाज के लोगों ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने तथा जांच अधिकारी बदलने की मांग की है, जबकि मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इसके विरोध में सोमवार को आक्रोश रैली निकालकर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया तथा समय रहते आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो 23 अक्टूबर को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पड़ाव डालकर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस दौरान विश्वनाथ राम खीचड़ सरपंच, बबलू गुलेरिया, रामा राम गोदारा सरपंच आडोर, अर्जुन राम सियाग सरपंच चाड़ी, किसाना राम सेवर, आसू राम सियाग, लक्ष्मण कड़वासरा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। विषय को लेकर आज ज्ञापन दिया गया। वीरमा राम प्रकरण के मामले में डेढ़ वर्ष पूर्व कुछ सामंतवादियों ने वीरमा राम पर जानलेवा हमला किया गया और उस संबंध में हम निष्पक्ष जांच की मांग करने के लिए उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की। अगर सरकार समय पर नहीं चेती तो आने वाली 23 तारीख को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर महापड़ाव